हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द टैक्स एक्सप्रेस। जीएसटी लॉ में सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल होने पर रेसिपिएंट को आईटीसी डिनाई किया जाना जीएसटी में एक सिग्निफिकेंट इश्यू है। ये एक लिटिगेशन प्रोन मैटर है और इस इशू को लेकर काफी हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन फाइल की जा चुकी है। किसी भी सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करने पर रिजल्टेंट आईटीसी का पास ऑन उसके रेसिपिएंट्स के हैंड्स में रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जिससे कंसर्न टैक्सपेयर को ओनरस हार्डशिप होती है। जीएसटी लॉ में सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 21 प्रॉपर ऑफिसर को कुछ स्पेसिफाइड केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर देता है। इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसिस में प्रॉपर ऑफिसर किसी भी बैकडेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, जो जनरली जीएसटी इंप्लीमेंट होने की डेट से ही कर दिए जाते रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में संबंधित सप्लायर द्वारा पास ऑन की गई आईटीसी की वैलिडिटी को लेकर एक बड़ा डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और डिपार्टमेंट रेसिपिएंट को ऐसी आईटीसी को विथ इंटरेस्ट रिवर्स करने का नोटिस थमा देता है। इस संबंध में एक सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने हरिओम मेटल्स के मामले में दिया है। इस जजमेंट में पिटिशनर ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी 2 जुलाई 2017 से अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किए जाने के ऑर्डर को चैलेंज किया। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 29(2) रेड विथ रूल 21 में रेट्रोस्पेक्टिवली रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोविजन है, लेकिन इस प्रोविजन को मैकेनिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ये सेक्शन प्रॉपर ऑफिसर्स को एक वाइड पावर देता है, जो इस सेक्शन और रूल में दी गई स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसिस के प्रेजेंट होने पर ही इन्वोक की जा सकती हैं। इस सेक्शन में प्रॉपर ऑफिसर किसी भी बैकडेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है एज ही मे डीम फिट, लेकिन ऑफिसर का ये सेटिस्फेक्शन किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर बेस्ड होना चाहिए, न कि सब्जेक्टिव। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने पर रेसिपिएंट्स को आईटीसी डिनाई की जा सकती है और इसका काफी बड़ा इफेक्ट हो सकता है उन केसेस में जहां रेसिपिएंट जेन्युइन है और उन्होंने सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल की हुई है। टैक्स ऑफिसर को इस एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने फाइनली हेल्ड किया कि रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन तभी किया जाना चाहिए जब टैक्स ऑफिसर ने मामले से जुड़ी सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर लिया है और जो सर्कमस्टांसेस सेक्शन और रूल में दिए गए हैं वो फुली वारंटेड हों। यानी कुल मिलाकर बैकडेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर मैकेनिकली इन्वोक नहीं करनी चाहिए और लॉ द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी सेफगार्ड्स को चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाना बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का सवाल है, रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन से पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाना जरूरी है और इस शो कॉज नोटिस में रीजंस फॉर कैंसिलेशन का क्लियर मेंशन होना चाहिए। कई केसेस में कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने से पहले जो शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करते हैं, क्योंकि उन शो कॉज नोटिसेस में रीजन फॉर कैंसिलेशन के बारे में या तो कोई भी डिटेल नहीं दी गई है या फिर डिटेल्स वेग, इनकम्प्लीट या अनक्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली हाईकोर्ट ने NN सेल्स कॉरपोरेशन वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर CGST के मामले में हेल्ड किया है कि शो कॉज नोटिस वेग और इनवैलिड है। इस केस में शो कॉज नोटिस में कोई क्लियर रीजनिंग या डिटेल्स नहीं दी गई थी और सिर्फ मेंशन किया गया था कि रीजन फॉर कैंसिलेशन इज नॉन कंप्लायंस विद एनी प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। इस तरह के शो कॉज नोटिस से टैक्सपेयर को कोई भी डिटेल नहीं मिल पाती कि उसके अगेंस्ट किस ऑफेंस को इन्वोक किया गया है, जिससे वो एक सूटेबल रिप्लाई सबमिट कर सके। इसी तरह एक अन्य मामले कुंदन इम्पैक्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर में दिल्ली हाई कोर्ट ने कैंसिलेशन सेट असाइड किया और कहा कि कैंसिलेशन शो कॉज नोटिस में कोई डिटेल नहीं दी गई है और सिर्फ साउथ दिल्ली कमिश्नर के एक लेटर का रेफरेंस दिया गया है जो इस शो कॉज नोटिस को वेग और इनवैलिड बनाता है। तो मतलब साफ है कि जब भी आपके किसी भी केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने का शो कॉज नोटिस रिसीव हो, तो सबसे पहले ये देख लें कि उसमें कंप्लीट रीजनिंग और डिटेल्स मेंशन है या नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन और आईटीसी डिनाई किए जाने के मैटर में एक और सिग्निफिकेंट जजमेंट इंजीनियरिंग टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर के मामले में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली 15 फरवरी 2024 को डिलीवर किया है। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट द्वारा पिटिशनर की आईटीसी को डिनाई करने के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि जेन्युइन आईटीसी सिर्फ इस कंटेंशन के आधार पर डिनाई नहीं की जा सकती कि सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो गया है। इस केस में डिपार्टमेंट द्वारा पिटिशनर को अपने सप्लायर की एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर को आईटीसी सिर्फ इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दी गई है। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड करते हुए अथॉरिटीज को मैटर रिमांड बैक किया है और डायरेक्शंस दिए कि वो पिटिशनर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करते हुए फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर इशू करें।
इस केस में ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पर रहेगा, लेकिन अगर पिटिशनर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जैसे टैक्स इनवॉइसेस, ईवे बिल्स, लॉरी रिसीप्ट्स एक्सेट्रा, तो सिर्फ सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल करने के बेसिस पर उसकी ITC रिजेक्ट नहीं की जा सकती। तो ये कहा जा सकता है कि GST लॉ में कुछ स्पेसिफाइड केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोविजन दिया गया है और प्रॉपर ऑफिसर को इन प्रोविजंस का लेजिस्लेटिव इंटेंट जरूर ध्यान में रखना चाहिए और रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर करना चाहिए ताकि इस बारे में अननेसेसरी लिटिगेशन और अरेस्टमेंट ऑफ जेन्युइन परचेजर्स को अवॉइड किया जा सके। इसके साथ ही ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर ऑफिसर्स टैक्स पेयर को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करें और शो कॉज नोटिस में प्रॉपर रीजनिंग मेंशन करें ताकि टैक्स पेयर को रिप्लाई सबमिट करने के लिए प्रॉपर रीजनिंग मिल सके। अदरवाइज शॉर्ट शो कॉज नोटिस को वेग और इनवैलिड करार दिया जा सकता है और रिजल्टेंटली सारी प्रोसीडिंग्स क्वैश की जा सकती हैं। कोर्ट ने इस बारे में काफी क्लियर एंड स्ट्रिक्ट स्टैंड बनाया हुआ है और टैक्स ऑफिसर्स द्वारा किसी भी लैप्स को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट माना जाएगा। यदि आपके किसी भी केस में सप्लायर का GST रजिस्ट्रेशन बैकडेट से कैंसिल होने पर ITC रिजेक्ट की जा रही है लेकिन क्लेम की गई ITC जेन्युइन है और आपके पास इस संबंध में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे टैक्स इनवॉइस, गुड्स रिसीप्ट वाउचर या लॉरी रिसीप्ट, ईवे बिल एक्सेट्रा हैं, तो आप एक डिटेल डिफेंस प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने डिफेंस में वेरियस हाई कोर्ट्स जजमेंट्स का हवाला भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।